गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क से लेकर ण तक के व्यंजन सीखे थे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे। ठीक, चलिए सभी लोग मेरे साथ साथ, मैं जैसा राइट करूंगी और स्पीक करूंगी आपको भी वैसे स्पीक करना है। ठीक, तो ख द ध न त ह द ध न, क्लियर है ये लाइन? तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको भी बोलना है। तो ख द ध न, नेक्स्ट लाइन फ फ ब भ म य र ल व श श स प छ त्र देन य। क्लियर है सभी को? आप सभी को मेरे साथ यह कंटिन्यू स्पीक करना है। ठीक है, तो थ द ध न ब फ ब भ म य र ल व श श स ह च त्र य। हमने सभी व्यंजन्स को सर्कल में बंद कर दिया। ठीक है ना, अब आपको भी अपनी स्लेट पर राइट करना है और वन बाय वन एक एक व्यंजन को स्पीक करते हुए उसे सर्कल में बंद कर देना है। ठीक है, सभी लोग कर पाएंगे? एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। तो को सर्कल में बंद कर दिया, तो को सर्कल में बंद कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट थ को सर्कल में बंद कर दिया, आपने किया? कीजिए, पास कीजिए। द को सर्कल में बंद कर दिया, ध ध को सर्कल में बंद कर दिया, न न को सर्कल में बंद कर दिया। इसी तर्ह आपको प वर्ग य वर्ग श सभी वर्ग के व्यंजन को सर्कल में बंद करना है और लाउडली स्पीक करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारे व्यंजन आपको लाउडली स्पीक करके बता रही हूँ, आपको भी ऐसे ही स्पीक करना है। तो थ द ध न प व ब भ म य र ल व श श स ह च त्र य। क्लियर है सभी को? चलिए, यहाँ हमारे आज व्यंजन कंप्लीट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क से ण तक सीखा था, आज हमने त से लेकर य तक सीख लिया। आप सभी को आ गया है? वेरी गुड। सभी को इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है, स्लेट पर लिखना है, कम से कम 10 times आपको लिखना है। जब आप 10 times लिखेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें जब रीडिंग करनी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो सभी लोग क से लेके ज्ञ तक के व्यंजन बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम क से लेके ज्ञ तक एक साथ आपको रीड कराएंगे। ठीक है, ओके, बाय बेटा।